अजीत, अगर तुम्हें तमीज से बात नहीं की नगित, तो चुप। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग दिल्ली वापस जा रहे हैं। पर सर, हमें तो साइट के लिए जाना है ना। मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कहा है वैसा करो। अच्छा जी, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। हे पापा जी, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। सर, मैं तो अभी नहीं आ सकती। तो एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूं। दादी माँ, मैं दादी माँ से बात कर लेती हूँ। मैं उन्हें कह देती हूँ कि मानसर ने जो मुझे ब्रांडी पिलाई थी ना, उस वजह से मेरा सर फटा जा रहा है बाबा जी। मैंने तुम्हें ब्रांडी पिलाई थी? अच्छा, और नहीं तो क्या, मैंने खुद पिया। मैं तो चुपचाप से अपना काढ़ा मंगवाया था, लेकिन आप आए, अपनी ब्रांडी रखी और मेरा काढ़ा लेकर चले गए, तो उसमें मैं क्या करती? झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझे। इल्जाम? और मैं? नहीं सर, मैं तो बस दादी माँ से ये कहने वाली थी कि मान सर ने मुझे ब्रांडी पिलाई, उसकी वजह से मेरा सिर घूमने लगा। अगर आप चाहते मैं दादी माँ से बात ना करूं, तो आप ही कोई इलाज बता दीजिए मेरे सिर दर्द का। आप आए ना उखाड़ के नीचे। 8 बज गए, डॉक्टर पहुंच गए होंगे। गुड मॉर्निंग देव। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग देव सर। आदि, पिंकी, तुम लोग यहाँ? हाँ सर, वो एक्चुअली शाहबाद वाले प्रोजेक्ट की बजट फाइल भेजनी थी। अब मान सर है नहीं, तो मैंने सोचा आपसे साइन करवा लेता हूँ। सर आप तो ऑफिस जा ही रहे हैं, तो आराम से वहाँ फाइल पढ़ के साइन कर लीजिएगा। तुमने पढ़ लिया ना? लाओ मैं साइन करता हूँ। हाँ पेन दो, ये लो। और कुछ काम है ऑफिस में? सर काम तो बहुत है, लेकिन वो ऑफिस जाके ही होंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं लंच के बाद ऑफिस आता हूँ। ओके, ऑलराइट। देव, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आज आप मुझे ऑफिस ले जाएंगे। नंदनी, आई एम रियली सॉरी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। तुम एक काम करो, तुम आदि और पिंकी के साथ ऑफिस जाओ और मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। ओके आदि, तुम नंदनी को सारा काम समझा देना। ऑलराइट। ऑलराइट जी। ओ जी, किसे क्या समझाना है जी, मैं हूं ना, मैं सब समझा दूंगा जी। ओए, गुड मॉर्निंग लकी जी। गुड मॉर्निंग पिंकी जी। गुड मॉर्निंग।
वैसे देव सर, लकी जी ना सब कुछ अच्छे से सिखा देंगे नंदिनी जी को। वो क्या है ना, दो ही दिन में सब कुछ अच्छे से सीख गए वो। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है, जो भी है तुम लोग हैंडल कर लेना, ओके? पहचाने? बोला 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 बोला। Why am I? आदित्य पाजी, ये अंग्रेजी में क्या पूछ रहे हैं जी? ये पूछ रहे हैं मैं क्यों? ओ जी, इसका जवाब तो ना रब को भी नहीं पता है। वैसे मामे, यार तूने हुलिया क्या बनाया है? काकास, when in Dillis, do as Romans do. अगर जसूसी में वड्डा नाम कमाएंगे, तो वो सब गले करेंगे जो वड्डे लोग करेंगे। बलवान सिंह के थिंग्स। बलवन कौन है? बलवन कोई नहीं पिंगली, बलवन सिंह कोई नहीं है। यार ये मम्मी को तो रात वाली सारी बातें याद है, कोई कोई पंगा ना डाल दे। मम्मी ठीक है ना? नंदिनी मैं चलता हूँ, मुझे जरा इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, ओके? क्या बात है मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं आदि सर, बस ऐसे लगता है जैसे देव बहुत परेशान है। वो हमसे कोई बात छुपा रहे, पर समझ नहीं आ रहा क्या बात छुपा रहे। आदि सर चले, लेट हो रहा है। या चले लकी जी। हाँ जी, हाँ जी, चलो जी। चलो चले। उस्ताद, ये दिल्ली में जसूसी में वड्डा नाम कमाना है, सबसे पहले ये पता लगा देव का कौन सा राज है। चक दे फटास, नप दे किलीस। डॉक्टर अग्रवाल आ गए क्या? नहीं, केबिन में होंगे, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। ओके, थैंक यू। नंदिनी जी घबराइए मत, हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत फ्रेंडली, दो चार घंटे में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप यहाँ कई बरसों से काम कर रही हैं। नंदू तू घबराती क्यों है, मैं हूँ ना। हाँ नंदिनी जी, आपको पता नहीं है कि लकी जी हमारे ऑफिस में कितने फेमस है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीचे तक सब कोई जानता है। और हाँ, अगर किसी को पता चल गया ना कि आप लकी जी की बहन है, तो बस यूं मिनटों में आपके इतने सारे दोस्त बन जाएंगे। लकी जी, मुझे इन सब से नहीं, मान जी जैसे डर लग रहा है। डोंट वरी नंदिनी जी, लकी जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ। पिंकी जी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम कर ले। मैंने आपको नए प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट्स की सीडी बनाने को कहा था। हाँ, तो वो तो मैंने कल ही शाम को आर्काइव्स में रखवा दी। आर्काइव्स? मान सर, आर्काइव्स में सीडी देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में देखेंगे? आप प्लीज जाके कॉन्फ्रेंस हॉल में वो सीडी रखवा देंगे? जी सर, मैं अभी रखवा दी। थैंक यू वेरी मच। और आप भाई साहब, अपनी सिस्टर को प्लीज सबसे मिलाइए। या थैंक यू। नंदिनी, काम तो होता रहेगा, पहले मैं तुमको सबसे मिला देता हूँ। और हाँ, सबसे पहले ना मैं तुमको यहाँ की कंटीन दिखाता हूँ, वो मेरे को भी पिंकी जी ने सबसे पहले वही दिखाई थी, बड़ी शानदार है। चल की जल्दी से पहन जा, वरना सरू सिंह खुराना तुझे छोड़कर चला जाएगा। इतने सारे नखरे किए, सर पटा जा रहा है, सर दुख रहा है, दादी माँ की भी धमकी दी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते थोड़ा तरस खा लेते, एक कप चाय मंगवा देते, मगर नहीं, उससे तो उनकी नाक नीची हो जाती ना। सिर पटा जा रहा है मेरा, काश दादी मां यहां होते।
सर फट रहा है। गीते एक काम करो, तुम ग्रीन टी पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। जी नहीं, मैं ये बेस्वादी चीजें नहीं पीऊंगी। गीते ये स्वाद के लिए नहीं है, तुम्हारा हैंगओवर उतारने के लिए। और अगर मेरी जगह दादी माँ होती ना तो वो भी यही करती। चलो पी लो, पियो। एक मिनट, अब ठीक है, अब पियो। ये तो उल्टे पंखे हो गए कि अभी गंदी सी बेस्वाद चीज तुझे पीनी पड़ेगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जल्दी पियो। और अगर तुमने दो मिनट के अंदर नहीं पिया ना तो मैं दादी माँ को फोन कर दूंगा। पीती हूँ ना, हर बात में दादी माँ करने की क्या जरूरत है, आपको छोटे से बच्चे हो। पियो, पूरा पियो। अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, हम दिल्ली वापस आ रहे हैं। सिस्टर आपको कितनी बार समझाया कि कर्नल खन्ना पर 24 घंटे नजर रखिए, और गार्ड क्या कर रहे थे वहां पर, ऐसे कैसे भाग गए? यस प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। एक काम करिए आप, जैसे ही कर्नल खन्ना मिलते हैं फौरन मुझे इत्तला कीजिए। जी सर। यस डॉक्टर, आई एम देव खन्ना, नैनतारा सिंह्स एक्स हस्बैंड। जी मुझे नैनतारा के बारे में आपसे पूछना था, उन्हें यहाँ से कब स्टार्ट किया गया? नैनतारा को यहाँ से गए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। अब मैं एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे ज्वाइन करने से कुछ वक्त पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर आपको ये तो मालूम होगा ना कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी या नहीं, और उन्हें यहाँ से कौन लेकर गया, ये इन्फॉर्मेशन तो उनकी डिस्चार्ज फाइल में होनी चाहिए ना। आई एम सॉरी सर, कुछ 10 दिन पहले हमारे स्टोर रूम में छोटी सी आग लग गई थी और उसी में कुछ मरीजों की फाइल भी जल गई, और नयनतारा सिंह की फाइल भी उन्हीं में से एक थी, और बाकी जानकारी तो डॉक्टर महापात्रा को थी जो उनका इलाज कर रहे थे, मगर वो भी तकरीबन महीना भर पहले रिटायरमेंट लेके यूएसए चले गए। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ नहीं हो सकते, नयनतारा का यहाँ से जाना, फाइल्स का जलना और डॉक्टर का रिटायर होना, ये जरूर नयनतारा का ही खेल है। आदि, ब्लूप्रिंट तैयार है? यस सर। वेरी गुड, मैं सारे ब्लूप्रिंट देखने वाला हूं, और ये तुम एक, तुम इसमें आदि की मदद करोगे, और अगर इस बार कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम?
और अगर इस बार कोई करती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर चिराग लेके भी ढूंढने जाएंगे ना तो इनसे बुरा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। नाकी, ऐसा मत बोल। और तेरी यार ये दूर में से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लगता है इसे मिट्टी के ऑयल से धोना पड़ेगा। पर दूरबीन छोड़, पहले देख अपना बंदा कहाँ गया। यहाँ तक आया था और वो रूम में से भी निकलते देखा था। ठीक है, कोई गल नहीं है, बंदा जुगनू की शातर नगाहों से बच के नहीं जा सकता। मुझे लगता है कर्नल खन्ना यही है। Excuse me, sir. Sir? Yes. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी। की नाम है तेरा? पर जाओ एक खोतिया, अपना नाम ही भूल गया। आप कर्नल खन्ना है क्या सर? कर्नल खन्ना? भाई कपड़े तो मैंने अंग्रेजी पाए है और टोपी भी पाई है। जब देखो तब ये अभी आज खुश तो बहुत होगी तुम। कौन है? पिंकी जी, ओए तुसे डर गए? हाँ, लेकिन आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कर रहे हो? मैं? ओ जी, मैं ना वो बस ऐसे ही बाहर, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा चलो अंदर जाके बैठ जाते हैं। ओए सीडी, पंजाबी फिल्म की है या हिंदी फिल्म की? ये मूवीज की सीडी नहीं, ये ऑफिस के काम की सीडी। मुझे कमाल है, सीडी भी रखी तो वो भी काम की। ओए, कोई फिल्म की सीडी रखनी चाहिए ना, बंदा बोर हो जाए तो देख तो ले। पर कोई बात नहीं जी, मैं इससे काम चला लूंगा। ठीक है, लेकिन ना मानसर के आने से पहले ये सब सीडीज रख देना, ओके? हाँ जी हाँ जी, तुझे फिक्र ना करो जी। आज एकदम ना सिनेमा हॉल स्टाइल में देखता हूँ। पहले कंटीन से जाके लस्सी और समोसे लेके आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। तारा जा कहाँ सकती है? अर्जुन तो यूएस में, किसके पास गई होगी? हेलो, चौकसी कंकर लौटा है क्या? हुआ हैरान हूँ मैं कि तुम्हारी सारी खबर हमें है। खैर एक बात तो अच्छी हुई कि तुम वक्त पर ऑफिस पहुंच गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे ब्रो के पास एक तोहफा पहुंचा है। जाकर देख लो कि उसका असर तुम लोगों की जिंदगी पर क्या होता है। क्या तोहफा भेजा है इसने ब्रो के लिए? आदि जी शुरू करो।